ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 200 के करीब ड्रोन ओवर क्रॉस मिसाइल दाग दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान की मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फिजाई अड्डे पर खैबर मिसाइलों को टारगेट किया गया। यूरोपीय मीडिया का कहना है कि हमलों के बाद इसराइली ने फौजी अड्डे खाली कर दिए, जबकि इसराइल में तालीमी सरगर्मियां मौतल कर दी गईं। दूसरी जानिब इसराइली फौज के तर्जुमान डेनाइल हगरी ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना किए। उनका कहना था कि सिर्फ चंद ईरानी मिसाइल इसराइल की सरजमीन में गिरे, जिससे फौजी अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका और अर्दन ने इसराइल की मदद करते हुए कई ईरानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। दूसरी जानिब यमन के हौसी लेबनान की हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले की भी इत्तलात हैं। याद रहे, 1 अप्रैल को इसराइल के दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले से खबरदार किया था।